गाइज स्टार्टिंग में अज्जू भाई, ज्ञान भाई और अमित भाई तीनों साथ में खेलते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारे लोगों को अलग होना पड़ा और एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी के कारण इन दोनों को अलग होना पड़ा। अभी के समय में MP40, AK-47, M10, M1887 और थॉम्सन सारे लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला गन। लेकिन इन सारे गनों का पहला स्किन कौन सा आया था? कलहारी मैप में टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस कितना है? आज तक के इलाइट पास में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स का जो स्किन है वो कितनी बार आ चुकी है और टोटल कितनी आई है इलाइट पास? 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल गेम कौन सा है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम कौन सा है और इसमें फ्री फायर कितने नंबर पे है? गाइस ये जो आप टावर देख रहे हो ये फ्री फायर के कलहारी मैप में कितने जगह पे है? मैंने आपको पिछले फैक्ट में बताया था कि बरमूडा मैप में 21 है, लेकिन फ्री फायर के कलहारी मैप में ये टोटल कितने जगह पे? पबजी और फ्री फायर से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा डिफरेंस और सिमिलरिटी बताऊंगा जिससे सुन के आप चौंक सकते हो। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे ओल्डेस्ट फैक्ट बताऊंगा जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा और नए प्लेयर को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पुराने फ्री फायर में ऐसे होते थे और अभी के समय कितना चेंजिंग हो गए हैं। क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें हमें किल करने से 5000 तक का डायमंड मिल सकता था? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में जिसमें मैं आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 अमेजिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट बताने वाला हूं जिसे आपने इससे पहले शायद ही कभी सुना होगा और ये पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करना और हमें फीडबैक देना कि वो सारे फैक्ट कैसे। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। गाइस गूगल पर सर्च करना www.gameapn.com, देख सकते हो मेरे मेल में गेम एपीएन तरफ से कितना सारे रिडीम कोड आ चुके हैं। मैं सभी को एक के बाद एक आपके सामने लाइव रिडीम करके दिखा रहा हूं। सो गाइस अगर आप कोई भी गेम खेलते हो लाइक पबजी, सीओडी, फ्री फायर, आप उसमें फ्री में रिचार्ज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करना, गेट इन ऐप पे क्लिक करना, उसके बाद यहां पे ग्रीन कलर का स्टेप 1 दिखेगा उस पे जाकर क्लिक करना, जो भी ऐड दिखे यहां पे उसको कट कर देना, उसके बाद जो भी ऐप खुले उसे डाउनलोड करना ही करना है चाहे जो हो जाए। डाउनलोड करके साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करके बैक आना, उसके बाद जो भी ऐड खुले उसे कट करना है, उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे आपको एक वीडियो मिलेगी उसको जाकर देखना। तो ये रहा गाइस लास्ट वीडियो का विनर, अगर आपको भी रिडीम कोड जीतना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जीतो। फैक्ट नंबर 17, गाइस हमारे फ्री फायर में स्काई लॉर्ड तो किसी से ही नहीं डरता और उसे कोई परेशान भी नहीं कर पाता, कोई कुछ उसे कर भी नहीं पाता चाहे वो कितना भी एक्सपोज डाल ले, लेकिन एक बंदा भाई उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया, उसका छोटा सा क्लिप देखो भाई। मुझे जानते हो भाई, जानते हो मुझे तुम? हाँ भाई बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से भाई। मेरे घर के पड़ोस में रहते हो क्या तुम? इतना अच्छे से जानते हो? हाँ तुम्हारी आवाज कट रही है भाई, बहुत जोर से आवाज कट रही है तुम्हारी। अरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो भाई। भाई इसकी गांड में कीड़ा है क्या बहन के लोड़े के बार बार आ रहा है इसकी माँ की चूत यार। अबे चूतिया आएगा बेटी चोत, बार बार आ रहा है बहन के लोड़े, जाना अपनी माँ चुता भोजड़े के सोया जाके सुबह तक, फिर अज्जू भाई की स्ट्रीम देखना पड़ेगा आलोक के लिए। लावड़ा बेटी चोत फिर आएगा देखना। अरे बेटी चोत, वाह बेटी चोत। अरे ड्यू लगा दो, ड्यू लगा दो, ड्यू लगा दो। हाँ रुको उसको मैं किक करता हूँ मादर चोत को। आ भोसड़ी के रुक जा रुक जा। अबे अच्छा हुआ किक, अच्छा हुआ भाई गोल्डन वाइट नहीं भेजा। और रस की माँ की चूत साले की बहन के लोड़े की, और तेरी माँ का भोसड़ा रे गांडू मादर चोत। शिट तो गाइस एक फनी सा मोमेंट था जो कि इसमें स्काईलॉर्ड काफी ज्यादा परेशान हुआ था, बस मैं स्टार्टिंग में आपको हंसाने के लिए ये फैक्ट डाला, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 16, गाइस हमारे फ्री फायर में पहले एक ऐसा ग्लिच आता था जिसके मदद से आप जलपरा बन सकते थे, उसके लिए आपको ये गाड़ी का इंतजार करना पड़ता, ये गाड़ी लेकर समुद्र के पास आना पड़ता था रिमनाम विलेज की तरफ, उसके बाद बस गाड़ी से दो बार उठना पड़ता था और दो बार बैठना पड़ता था, उसके बाद ये ट्रिक काम कर जाता था जिसके मदद से लोग जलपरा बन जाता था जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे ये कितना आसानी से तैर रहा है पानी के बाहर से भी, ठीक है, जो कि काफी फनी सा लग रहा है देखने में। तो एक बहुत ही बड़ा ग्लिच उस समय हुआ करता था जो लोग बहुत ही अच्छा से यूज करते थे, उसको फनी मोमेंट की तरह लेते थे और बहुत ही इंजॉय करते थे। फैक्ट नंबर 15, गाइस अभी के समय में आप बीमा शक्ति के पास जाओगे तो कुछ इस तरह से लुक लगेगा, बीच में कुछ भी नहीं रहे, यहाँ पे देखो गौर से, ठीक है, यहाँ पे बीच पे कोई भी पोल वगैरह या कोई भी किसी तरह का चीज नहीं है, यहाँ बीमा शक्ति के नीचे पूरा खाली है। अब पूरा अच्छे तरीके से देख लो, फिर मैं अभी जो दिखाऊंगा वो देख के शॉक हो जाओगे। और साथ ही साथ आप इधर आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमारा कटलिस्टवा का जो पुल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से है, और जो ऊपर में है कुछ सुरंग जैसा। लेकिन पहले के समय जो हमारा फ्री फायर का बीमा शक्ति था, आप देख सकते हैं यहाँ बीच में कितना बड़ा पोल हुआ करता था और बीमा शक्ति का लुक कुछ इस तरह से हुआ करता था नीचे के साइड में, ठीक है, ऊपर तो बंद रहता ही था। और अगर आप आते इस साइड कटलुस्टा के पुल तरफ तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा एक पत्थर नजर आता है, और यहाँ पे देखो कोई भी सुरंग नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा खाली है, जबकि पिछले में हमने वहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे सुरंग है, लेकिन यहाँ पे
कोई भी सुरंग नहीं है, तो ये एक ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक था जो बहुत ही ओपी फैक्ट है। फैक्ट नंबर 14, गाइस हमारे फ्री फायर में एक ऐसा आइटम आने वाला है जो आज तक इतिहास में इस तरह का आइटम देखने को नहीं मिला है, और इतना यूनिक आइटम जो क्या ही बोले। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं बात कर रहा हूँ न्यू स्काई विंग का, और ये स्काई विंग लेके अगर आपके पास ये स्काई विंग होगा तो आप लॉबी में भी आप उड़ सकते हो, साथ ही साथ आप प्लेन जब आती है साथ आप प्लेन के साथ ही साथ उड़ सकते हो, जो कि काफी ओपी लुक देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको काफी इज्जत मिल रहा है, फ्री फायर में आपको अलग रखा गया है एक वीआईपी के तौर पे, कुछ इस तरह से होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट हमारे महाभारत सीन से लिया गया है, जहाँ पे हवा पे रथ उड़ती है घोड़े के साथ, उसी तरह से यहाँ पे घोड़े के जगह कुछ दूसरा चीज डाल दिया है, बट सेम कॉन्सेप्ट हमारे फ्री फायर में लाया है, क्योंकि फ्री फायर कहीं ना कहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर होकर चीजें लाती है। तो ये चीजें हमारे महाभारत का जो रथ जो उड़ता था हवा में, उसी से कॉन्सेप्ट ला के हमारे फ्री फायर में ये लाया है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। फैक्ट नंबर 13, गाइस हमारे फ्री फायर के कटलिस्टों में कुछ इस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे, छोटे छोटे से आप देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद बीच में एक बहुत ही बड़ा पत्थर हुआ करता था जो आप सामने देख सकते हो, और आप देख सकते हो पहले का वातावरण कितना शुद्ध हुआ करता था, ऐसा लगता है जैसे कितना ओपी पर्यावरण था, लेकिन अभी बहुत कुछ बदल दिया गया। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक था। फैक्ट नंबर 12, गाइस ये भी एक ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक है। आप मार्स फैक्ट्री तो जानते होंगे, फैक्ट्री के साइड में जो उस साइड रास्ते होती है ना, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर हुआ करता था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 3 साल पहले पुरानी फ्री फायर की बात है, जब हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा पत्थर हुआ करता था, 4 साल पहले 2017 में जब गेम हुआ था। ठीक है, उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, मार्स लगती वगैरह नहीं हुआ, मार्स लगते सामने हुआ करता था, बट यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक पत्थर हुआ करता था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये 2017 का गेम प्ले। फैक्ट नंबर 11, गाइस क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में एक ऐसा वेपन रॉयल आया था जो सारे वेपन रॉयल से बिल्कुल यूनिक था और बिल्कुल हट के था। अभी के वेपन रॉयल में अगर आप प्राइस लिस्ट देखोगे तो आप बहुत ही सारा उसमें गन देखोगे, आप बहुत ही सारा पुराने पुराने गन उसमें रखा हुआ जो परमानेंट आपको मिल सके। लेकिन क्यूपिड स्कार एक ऐसा वेपन रॉयल आया था जो सिर्फ और सिर्फ हमें क्यूपिड स्कार का ही उसमें कैरेट देखने को मिलता था, और कोई भी गन नहीं मिलता था। मगर अगर आप स्पिन करते तो उसमें बहुत ही सारा क्रेड मिलता आपको, बहुत ही सारा चीजें मिलती, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, लेकिन उसमें क्यूपिड स्कार के अलावा कोई भी रिवार्ड नहीं था। और ये पहली बार हुआ था फ्री फायर में कि वेपन रॉयल में सिर्फ और सिर्फ वही गन का क्रेड था, बाकी कोई गन का नहीं। तो वेपन रॉयल जो क्यूपिड स्कार का था वो सबसे यूनिक है आज तक का फ्री फायर में। फैक्ट नंबर 10, गाइस क्या आपको पता है कि फ्री फायर जो है इतने सारे रेयर रेयर आइटम को रिटर्न क्यों ला रहा है? आखिरकार क्या हो गया कि अचानक इतने सारे रेयर आइटम को इंडिया सर्वर में वापस लाना पड़ा? तो गाइस इसका सीधा सा रीजन है कि फ्री फायर ने अभी भी फ्री फायर मैक्स लॉन्च किया था और इसे बनाने में करीब 1 से 1.5 साल से ज़्यादा लग गया था, तब जाके फ्री फायर में बहुत दिनों के बाद लॉन्च किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसे गेम को नहीं खेलता, क्योंकि इसमें इतने खराब खराब फीचर दे रखे हैं जो नॉर्मल फ्री फायर से भी घटिया है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसका घाटा ये हुआ कि गरना फ्री फायर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा फ्री फायर मैक्स लॉन्च करने को, और इसी नुकसान को भरपाई करने के लिए गरना ने सारे रेयर रेयर आइटम को लाना शुरू किया, ताकि लोग इसको जल्दी से निकालें और गरना का जो लॉस हुआ वो थोड़ा मेंटेन हो सके। और यही कारण है कि गरना ने सारे रेयर रेयर आइटम को रिटर्न लाना शुरू किया। फैक्ट नंबर 9, गाइस गरना ने कुछ ऐसे सीक्रेट जगह छुपा के रखे हैं जहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं है। पता नहीं गरना ने वहाँ पे क्या खजाना छुपा के रखा है, बट वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो बिना ग्लिच वगैरह यूज करके, और वो है सबसे पहले हमारा परगेटरी मैप का ये सीक्रेट आइलैंड। ठीक है, और ये बहुत पहले हुआ करता था, अभी के समय में रिमूव भी कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ अभी परगेटरी मैप में आपको सीक्रेट माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से माउंट एवरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ऊंची जगह माना जाता है परगेटरी मैप में, जो एक सीक्रेट माना जाता है, और यहाँ बिना ग्लिच का आप नहीं जा सकते, लेकिन ये फ्री फायर का सबसे ऊंची पहाड़ में से। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में भी कुछ ऐसे सीक्रेट आइलैंड है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता बिना ग्लिच के। तो ये सारे सीक्रेट प्लेसेस थे और सीक्रेट आइलैंड थे जहाँ पे कोई भी बिना ग्लिच का नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 8, गाइस अज्जू भाई, ज्ञान भाई और अमित भाई ये तीनों पहले साथ में खेलते थे, लेकिन अचानक इन तीनों को अलग होना पड़ा। उसका रीजन ये था कि अज्जू भाई नहीं चाहते थे कि ज्ञान भाई उसके स्ट्रीम में गाली बके, और ज्ञान भाई बहुत ही ज्यादा गाली बकते थे, बट ये एक रीजन नहीं था, क्योंकि ज्ञान भाई एक ऐसा यूट्यूबर था उस समय जो अज्जू भाई को पीछे छोड़ सकता था, और अज्जू भाई को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि गाली वाला रीजन नहीं था। अगर गाली वाला रीजन रहता तो अज्जू भाई जाके तन्मय भट्ट और कैरमनाइटी और स्काउट जैसे चैनल में जो बहुत ही ज्यादा गाली बकते उसके चैनल में जाके लाइव स्ट्रीम नहीं करते, तो ये एक रीजन नहीं था, क्योंकि ज्ञान भाई उस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था, तो अज्जू भाई को डर था कि वो कहीं से पीछा ना छोड़ दे, और इसी के कारण
वो तीनों का अलग होना पड़ा और रज्जू भाई जो है ज्ञान भाई के साथ इस टीम नहीं। और फ्री फायर का ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी में एक था, आपसी में बहुत ही बड़ा दुश्मन मानते हैं एक दूसरे। फैक्ट नंबर 7, गाइस ये जो फैक्ट है ये पबजी वर्सेस फ्री फायर है। फ्री फायर में अभी आप इवो गन में देख सकते हो बहुत सारे गन आ चुका है इवो गन में, लेकिन पबजी में ये बहुत ही पहले आया था। यहाँ पे M416 का देख सकते हो लेवल 1 यहाँ पे है, लेवल 2 में कुछ इस तरह से है, और इसी तरह का लेवल अप गन जो है पबजी में बहुत ही पहले आया था और शायद उसी का आइडिया लिया था फ्री फायर। और उसके बाद फ्री फायर ने बहुत ही सारे इवो गन लाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 6, गाइस अभी के समय में MP40, AK47, M10, M187 और थॉम्सन बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली गन है फ्री फायर में। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर में इन सारे गनों का सबसे पहला स्किन कौन सी आई? तो गाइस मैं आपको बता दूं, MP40 का जो सबसे पहला गन स्किन आया था वो हैप्पी न्यू ईयर करके था। AK47 का ड्रैको एक है और M10 का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली है, M187 का ट्रॉपिकल पैरोट है और थॉम्सन का ये येलो वाली गन स्किन आया था सबसे पहले फ्री फायर। फैक्ट नंबर 5, गाइस हमारे फ्री फायर में एक ऐसा चीज आया था जिसमें हमें किल करने पे डायमंड मिलता था, वो भी 5000 डायमंड तक का। ठीक है, किल करने पर हमें एक कैरेट मिलता था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से, और एक इवेंट आया था यहाँ पे आप देख सकते हो यही वाली। ठीक है, इसमें क्या करते थे, जब भी आप गेम में जाते तो अगर बंदे को किल करते ना तो आपके वहाँ पे आपको एक कैरेट मिलता था, उस कैरेट में आपको कुछ डायमंड मिलते थे। ठीक है, और वो 5000 डायमंड तक आपको मिल सकता था। तो फ्री फायर में पहले ऐसे ऐसे इवेंट आया करते थे बट अभी के समय में नहीं आता। फैक्ट नंबर 4, गाइस ये जो आप ब्रिज देख रहे हो कलहारी मैप में, ये जो ब्रिज देख रहे हो ये फ्री फायर के कलहारी मैप में टोटल कितने जगह पे है क्या आपको पता है? तो मैंने जब गिना, मैंने कई सारे गेम खेला, करीब 6-7 गेम खेला, तब जाके मुझे पता चला कि ये जो है ये 13 है। ठीक है, 13 ब्रिजेस कुल यहाँ पे है, उसका मैं कुछ पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो गिन लेना। मैंने 3-4 बार गेम खेला और मुझे यहाँ पे 13 ब्रिजेस मिले। इससे पहले मैंने आपको बरमुडा मैप का बताया था, लेकिन अभी मैं कलहारी मैप का बता रहा हूँ, जो हमारे फ्री फायर में ये वाले ब्रिज का है वो फ्री फायर के कलहारी मैप में 13 जगहों पे। फैक्ट नंबर 3, गाइस हमारे फ्री फायर में जो ये वाली टावर है कलहारी मैप पे, ये टोटल कितने जगह पे है क्या आपको पता है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये चीज़ गिना बरमुडा मैप में तो वहाँ पे मुझे 22 मिला था, और जब मैंने ये कलहारी मैप में गिना तो वहाँ पे मुझे 19 टावर मिले। ठीक है, मैंने बहुत खोजा, जब मैं ये ब्रिज खोज रहा था उस वक्त मैं टावर भी गिन रहा था, और मुझे फ्री फायर के कलहारी मैप में ये 19 जगहों पे मिला। तो फ्री फायर के कलहारी मैप में ये वाला जो टावर है ये हमारे टोटल 19 प्लेसेस। फैक्ट नंबर 2, गाइस फ्री फायर में हमारे अभी तक जो इलाइट पास आए हुए हैं वह 43 सीजन का आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 43 सीजन में हमारे व्हीकल्स की स्किन कितनी बार आई है टोटल फ्री फायर के इलाइट पास? गाइस अभी तक के 43 सीजन के इलाइट पास में टोटल 22 व्हीकल्स स्किन आए हैं। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ, सारा नहीं दिखा पाऊंगा, तो ये 22 आए हैं। फैक्ट नंबर 1, और गाइस ये आज का लास्ट फैक्ट है। गाइस क्या आपको पता है कि 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम कौन सा है? और इसमें मैं ज्यादा गेम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप ज्यादा गेम नहीं खेलते, पबजी और फ्री फायर ही ज्यादा से ज्यादा खेलते होंगे क्योंकि आपको मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम ही पसंद है। तो मैं आपको बता दूं कि डाउनलोड के मामले में 2021 में पबजी है 3 नंबर में और फ्री फायर है 1 नंबर में। और वहीं अगर बात करें अर्निंग के मामले में, तो अर्निंग में पबजी मोबाइल 1 नंबर पे आती है और फ्री फायर 8वें नंबर पे। ठीक है, तो डाउनलोड के मामले में फ्री फायर 1 नंबर पे आता है, वहीं अर्निंग के मामले में पबजी मोबाइल 1 नंबर पे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे मात्र 98 फॉलोअर है, तो लोग समझते हैं कि ये फेक एंजॉय गेमिंग है। तो आप जाके, आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी इंस्टाग्राम पर प्रमोट नहीं करता था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से जाओ और फॉलोवर करके कम से कम 1000 फॉलोवर कर दो, ताकि लोगों को विश्वास हो कि ये रियल वाला एंजॉय गेमिंग है। ठीक है, और टॉप 17 फैक्ट का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो, उसमें मैंने बहुत ही ओपी फैक्ट बता रखा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का लाइक जरूर करना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर जरूर कर देना, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम बनाया है और नया प्रमोट करना शुरू किया है, कि मेरे 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मात्र 100 भी नहीं हुए फॉलोवर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे आप हमसे कुछ भी बात करोगे तो मैं वहां पे आसानी से रिप्लाई दूंगा, और बहुत सारे लोग बात भी करते हैं। ठीक है, अपने चैनल के बारे में कि कुछ कमी है कि नहीं, तो आप भी जाके फॉलो कर लो और हमसे रूबरू बात करो। ठीक है, तो गाइस ये रहे गेम एपीएन का लास्ट वीडियो का विनर। अगर आपको भी फ्री में रिडीम कोड चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।